दोस्तों एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग एक क्लिक में रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रिजल्ट चेक करके लाइव प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि लिंक जो है पूरी तरह से 100% एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों 100% लिंक एक्टिव कर दिया गया है। एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि हर चीज़ डिजिटल हो गया है और ऑनलाइन रिजल्ट जो है आप लोगों के घर बैठे मोबाइल फोन पर एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को यार देखो शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों को, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पर आएंगे, यानी कि डायरेक्ट लिंक पर चलेंगे, रिजल्ट चेक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने हाथ में प्यारे से हाथ का मोबाइल फ़ोन का ओपन करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो गूगल पर आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स, TARGET COURSE, ठीक है। लिखकर आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे टारगेट कोर्स, आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट वाला पेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसी पर फर्स्ट वाले पेज पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रखें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हैं तो लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे, और इसी पर आपको फर्स्ट वाले पेज पर क्लिक कर देना है और आप आ जाओगे हमारे डायरेक्ट वेबसाइट पर। दोस्तों इस पर हम रिजल्ट, एग्जाम और संबंधित सभी इंफॉर्मेशन मतलब कि डालते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक लेटेस्ट अपडेट, एक लेटेस्ट जॉब, यानी कि जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एग्जाम फॉर्म, एडमिशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो यहां पर देखिए एसएससी और एमटीएस का रिजल्ट का कट ऑफ भी यहां से आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज पूरा हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल के माध्यम से रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में बताया हूँ। यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स, वीडियो को अपने अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा और अपने अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। कितने बहुविकल्पीय और कितने अंक होते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी प्रश्नों के अनुसार दिया गया है। कितने मिनट का परीक्षा था, कितने मिनट का नहीं था, चलिए यहाँ पर अब जान लेते हैं रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक डाउनलोड रिजल्ट, एक डाउनलोड कट ऑफ, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सा रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हो या कट ऑफ डाउनलोड करना चाहते हो? अगर रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो दो लिंक प्रोवाइड कराया गया है, एक सर्वर वन और एक सर्वर टू। दोनों में से किसी भी एक पर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर एक पर नहीं होता है तो दूसरे पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और डाउनलोड कट ऑफ, यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ मार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे, कितना आपका कट ऑफ आया है। तो सर्वर वन, सर्वर टू, ये भी दो लिंक प्रोवाइड कराया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग आंसर की देखना चाहते हैं तो आंसर की क्लिक हेयर पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप लोग मार्क्स स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से मार्क्स स्टेटस भी अपना चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आई होप कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। रुके 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 रुके, अभी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होगा कि सर रिजल्ट हम डाउनलोड कैसे करेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2022 कैसे चेक करें। तो यहाँ पर मैंने सारे आर्टिकल के माध्यम से बता रखा है आपको पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, सारी जानकारी यहाँ पर आर्टिकल के माध्यम से बता रखा है। तो आप लोग आइए और चेक करिए, इतना प्यारा सोल्यूशन आपको कोई भी जल्दी यूट्यूब पर नहीं देगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ अच्छे से प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।